फ्रेंड्स, मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से। और आपको पता है हमारा जो चैनल था नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब रामबाण, कुछ टेक्निकली इश्यू की वजह से हम वीडियो नहीं शूट कर पाए थे और अब वीडियो कंटिन्यू लगातार आपके पास आती रहेंगी। आज मैं सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा और हो सकता है होली से पहले मैं 4-5 वीडियो डालने वाला हूँ आपके लिए। कौन सी वीडियो किस सब्जेक्ट की होगी, टॉपिक कौन कौन सा रहेगा आपके सामने आएगा। देखिए बच्चे, बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स की जब हम बात करते हैं, इससे हिंदी में कहते हैं बहुत की मीडियम दोनों लेके चलेंगे हम, हिंदी भी और इंग्लिश भी। इस फिजिक्स को हमने दो हिस्सों में तोड़ा है। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं आपको पता है सर? एक है 11th क्लास का पार्ट और एक है बच्चे 12th क्लास का पार्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैंने एक पार्ट और बनाया है जिसको हमने बोला बेसिक का नाम दिया है, जिसे हिंदी में कहते हैं जी आधारभूत। क्लियर है? बेसिक फंडामेंटल। इस बेसिक में क्या क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं बच्चे हिंदी में इकाई और मापन। और डायमेंशन को जो बोलते हैं बच्चे हिंदी में कहते हैं विमा, या विमा भी कह देते हैं, विमीय सूत्र के नाम से भी जानी जाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो पार्ट है ना, ये जो बेसिक वाला पार्ट है, ये बेसिक वाला पार्ट मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी कॉमन पार्ट है। जब तुम डायमेंशन पढ़ोगे ना, तो तुम्हें 12th के पार्ट भी दिखाई देगी, उसमें 11th की डायमेंशन भी दिखाई देंगी। तो इसको अलग हिस्से में तोड़ दिया। अब 11th क्या है? वो 11th हमने 4 पार्ट में तोड़ी, ए बी सी और डी। ऐसे ही बच्चे हमने 12th को 4 हिस्सों में तोड़ा, ए बी सी और डी। और सुनिए ध्यान से, यहां जो पहला पार्ट है उसका नाम रखा है हमने मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हिंदी में बच्चे से यांत्रिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। सेकंड जो इसके अंदर पार्ट रखा है जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बच्चे, जो चीज मैं बोर्ड पे तुम्हें बताऊंगा, जो भी बात मैं तुम्हें बोर्ड पे बताऊंगा, जो एक्सप्लेन करूंगा, वो आपको नोट्स पे उसी दिन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जो जो चीज पढ़ाऊंगा तुरंत नोट्स के साथ मिलेगी। जो अभी भी ये बता रहा हूं ये भी नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा बायलैंगुअल लैंग्वेज में। मैकेनिक्स जिसे यांत्रिकी कहते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो इसे पदार्थों के सामान्य गुण के नाम से जाना जाता है, पदार्थों के सामान्य गुण। क्लियर है जी। अगला जो पार्ट आता है पार्ट सी, इसके अंदर आता है बच्चे हीट एंड थर्मोडायनेमिक। हीट एंड थर्मोडायनेमिक, वो जी हिंदी में से कहते हैं ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा और ऊष्मा, यहां से क्वेश्चन बनता है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कितना क्वेश्चन कहां से बनता है, किस यूनिट में से कितना कितना पूछा जाता है। पार्ट डी की बात करें तो इस डी में जो बनता है बच्चे साउंड एंड वेव्स। साउंड एंड वेव्स, वेव की जगह वेव मोशन भी बोल सकते हैं बच्चे में से। साउंड का मतलब क्या है? ध्वनि, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। और तरंग गति के बारे में पढ़ते हैं, तरंग गति क्या है। टोटल पूरी 11th को 4 हिस्सों में तोड़ा है, ए बी सी और डी। ऐसे ही 12th को भी 4 पार्ट में तोड़ा है। वो सबसे पहला पार्ट है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे हिंदी में विद्युत चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। अगला पार्ट है इसके अंदर ऑप्टिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। बच्चे से हिंदी में प्रकाश बोलते हैं, ऑप्टिक्स कहो या लाइट कहो, एक ही मतलब है दोनों का। इससे बोलते हैं जी प्रकाश की, प्रकाश की। और अगला पार्ट इसमें आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और एक आता बच्चे मॉडर्न फिजिक्स, वो जी हिंदी में से कहते हैं नाभिकीय या नाभिकीय बहुत की। और बच्चे इसे बोलते हम आधुनिक बहुत की,
आधुनिक बहुत की ये पूरी फिजिक्स थी। सुनना ध्यान से, फिजिक्स का एक पार्ट कॉमन था जो हमने रखा, कॉमन की वीडियो होली से पहले पहले आपको मिल जाएंगी, होली पर सारी वीडियो डाल दूंगा कॉमन में, टोटल कॉमन में 4 से 5 वीडियो बनेंगी। पूरा कॉन्सेप्ट, साइंटिस्ट के बारे में पूछता है, किस साइंटिस्ट ने किसकी खोज करी, बेकुरल ने क्या किया था, जितनी भी पूरी फिजिक्स के साइंटिस्ट है सबकी एक वीडियो, डायमेंशन की एक वीडियो, यूनिट की एक वीडियो, एक बैरल कितने के बराबर होता है, एक परसेक कितने के बराबर होता है, परसेक किसकी इकाई है, या लाइट ईयर क्या है, कितना कितने के बराबर होता है, हर टॉपिक की एक एक छोटी छोटी वीडियो, पूरी 5 वीडियोस में कंप्लीट बेसिक फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद 11th 4 पार्ट में डिवाइड है और 12th 4 पार्ट में डिवाइड है। ये है एक्चुअल सिलेबस आपका किसी भी एग्जाम का जो आप डिफेंस कोर जो तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, SSR जो भी। देखिए बच्चे, यहां से क्वेश्चन बनता है जी, यहां से ग्राफ पूछे जाते हैं। ये है मैकेनिक्स, सबसे अच्छा बच्चे मैकेनिक्स पता क्या होता है, मैकेनिक्स वो पार्ट है जहां मोशन के बारे में बताते हैं, हम रेस्ट के बारे में बताएंगे, जो ग्रेविटेशन, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ग्रेविटेशन किसमें आएगा, बच्चे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वाला जो कॉन्सेप्ट है, बल का कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ इसी में आएगा। लॉ ऑफ मोशन या वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अगला है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बर्नौली थ्योरम, ये जितने भी थे, पास्कल लॉ, आर्कमिडीज सिद्धांत, ये सारे कॉन्सेप्ट पार्ट बी में आते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है, क्या है हीट, थर्मोडायनेमिक क्या है, यहां से न्यूमेरिकल भी पूछता है, ग्राफ पूछता है, यहां से न्यूमेरिकल पूछता है, और पार्ट डी में साउंड एंड वेव से एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रखता है। क्लियर है जी सबको, एनी दिक्कत, नो दिक्कत। 12th में कहता है, 12th में भी 4 पार्ट है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड EMI और AC सर्किट, जितने भी कॉन्सेप्ट है ये, EMI क्या है, AC सर्किट क्या है, क्लियर है, ये सारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होंगे। अगला है ऑप्टिक्स, लाइट, जो अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, NDA UPSC का कोई एग्जाम दे लो, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, कोई भी बच्चा जो रेलवे का बच्चा वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ये कंप्लीट जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स लेके चलूंगा मैं स्पेशल NDA, उसके बाद एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप टेक्निकल है, और रेलवे, CDS वाला बच्चा भी इसको देख सकता है, CDS, और जो असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं UPSC वाले बच्चे, उसके लिए भी यूजफुल रहेगी। असिस्टेंट कमांडेंट पिछली बार जब 17 तारीख को एग्जाम हुआ, 6 से 7 क्वेश्चन एज इट इज जो मैंने बताया था, बच्चे उसी पढ़ाए वो में से आए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन जिसमें ऑप्टिक्स की थी। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में पता क्या है, एटम्स, न्यूक्लियाई, अणु, परमाणु, सर जी अल्फा किरण निकली है, बीटा, गामा, ये जो रेज का बारे में बताया, ये सब चीज हम यहां पढ़ते हैं। और लास्ट में आता आपका मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहां पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आज आपको ये पता होना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से कि पूरी फिजिक्स कितने हिस्सों में तोड़ी है, 2, और एक जो कॉमन पार्ट था ना, मैंने कॉमन क्यों लिया है, इसे बेसिक में कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं यहां बताऊंगा पूछेगा परमिटिविटी बताओ क्या है, अब भाई परमिटिविटी तो 12th का पार्ट है ना, फ्लक्स क्या है इसका पार्ट है, पूछ लेगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या है यहां का पार्ट है, तो ये आपस में जुड़ा हुआ जो कॉमन पार्ट है वो यहां है। अब इसमें जो वीडियो होंगी, इसके अंदर जो वीडियो होंगी, इसमें वीडियो में जो होंगी बच्चे, इस वीडियो को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, पहली जो वीडियो आएगी इसके अंदर टोटल 5 वीडियो बनाएंगे, 5 वीडियोस होंगे इसके अंदर जी। ठीक है, ये पहली वीडियो आपके सामने, मैंने सिलेबस का डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्लियर है, फर्स्ट वीडियो जो होगी उस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको डायमेंशन के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले डायमेंशन जिसे विमा कहते हैं, विमा या विमीय सूत्र के नाम से भी ये जानी जाती है, डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला पार्ट आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, जितनी भी इकाई है, यूनिट क्या है, परसेक क्या है, आपका बार क्या है, उसके बाद ATM क्या है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, जितनी भी इकाई है सब, बैरल क्या है, एक बैरल में मीटर कितना होता है, पाउंड कितना होता है,
फुट कितना होता, सारा कॉन्सेप्ट वो हम यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे। यहां पढ़ाऊंगा बच्चे इन्वेंशन के बारे में, खोज के बारे में, कि खोज किस साइंटिस्ट ने, किसकी खोज करी, फेराडे ने किसकी खोज करी, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लियर है। हेनरी ने किसकी खोज करी, या अल्फा करने, और आपसे पूछेगा साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट किसने, क्या क्या देता है साइक्लोट्रॉन कॉन्सेप्ट, वो सारे कॉन्सेप्ट यहां बताएंगे, खोजकर्ताओं के नाम यहां बताए जाएंगे। और सेकंड जो लास्ट रहेगा, इसमें साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होंगे, जानते हो जिन्हें हम बोलते हैं वैज्ञानिक उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण। एक क्वेश्चन आता है जी, हाइड्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, पायरोमीटर क्या है, सोनोमीटर क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, या एल्टीमीटर क्या है, ये जितने भी मीटर होंगे, गैल्वेनोमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, जितने भी मीटर होंगे सारे इस मीटर में पूरी फिजिक्स के एक साथ खत्म कर देंगे। और लास्ट में एक छोटी सी वीडियो रखेंगे जिसमें पूरी फिजिक्स के सिंबल्स, जितने भी सिंबल यूज हुए पूरी फिजिक्स में आज तक, वो यूज करेंगे, और बेसिक टूल्स के नाम से इसे जानते हैं। बेसिक टूल्स जानते हो कैसे, एरर कैसे निकालते हैं, या फिर इसमें हम ये बताएंगे कि बेसिक टूल के अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलस के अकॉर्डिंग। बाबा कैलकुलस सुना होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो छोटे छोटे पार्ट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी निकालो या इंटीग्रेशन यूज करके, तो इंटीग्रेशन निकालना नहीं आता बच्चों को, वो पूरा पार्ट पूरे 5 वीडियोज में पूरा बेसिक कंप्लीट बिल्कुल खत्म 5 वीडियोज में हो जाएगा, क्लियर है जी। और इसमें से मैं हो सकता है 2 पार्ट लेके चलूं, एक पार्ट 11th का, एक पार्ट 12th का, कॉमन वीडियो डाली जाएंगे, क्लियर है। थोड़ा सा इश्यू था, हम वीडियो नहीं डाल पाए, और मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया आपने सबने, बहुत अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चे इसे करते रहिए, बताने की जरूरत नहीं, आप सबका सहयोग है, मेरा मोटिवेशनल इसी से इंक्रीमेंट होगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, पूरा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटेंट छिपा लूं या नहीं डाल पाऊं, जो बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पर उसी टाइम आपको उसी दिन से मिल जाएगा मेरी हैंडराइटिंग में, बाइलिंगुअल में, क्लियर है जी। बने रहिए नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जितना हो सकता है मैक्सिमम।